हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेडियन, ग्रेड एंड डिग्री के बारे में पढ़ा, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री उसके बारे में पढ़ा, उसके ऊपर कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियन के ऊपर दो थ्योरम है वो देखने वाले हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, रेडियन का दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम इज रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन जो है वो आपका एक कांस्टेंट एंगल है, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। रेडियन क्या है बेटा, एक कांस्टेंट एंगल है। कैसे है देख लेते हैं। देखो, हम लोगों को पता है वन रेडियन का मतलब क्या होता है। वन रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर बेटा, 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। देखिए ये जो 180 है ये आपका एक कांस्टेंट है, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। और पाई का वैल्यू भी पता है हम लोगों को क्या होता है बेटा, 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, जो कि कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। कांस्टेंट बाय कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा, मतलब रेडियन का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसीलिए आपका रेडियन क्या होगा, एक कांस्टेंट एंगल होगा, ठीक है। रेडियन क्या होगा बेटा, एक कांस्टेंट एंगल होगा, क्लियर। तो हम लोग अभी देख लेते हैं सेकंड थ्योरम, जो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये वाला। इसके ऊपर अभी आप लोगों का एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसका प्रूफ भी आ सकता है, ठीक है। तो थ्योरम टू क्या है, थ्योरम टू है द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क का मतलब द लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, रेडियस का लेंथ। मतलब क्या है, देखिए द नंबर ऑफ रेडियंस, समझ लीजिए ये आपका कोई एक सर्कल है, सर्कल में कोई एंगल सबटेंड हुआ है एट द सेंटर और कोई आर्क बना रहा है, ठीक है। कोई आर्क ये समझ लो, ये आपका ए है, ये आपका क्यू, ए क्यू, कोई एक आर्क है, इसका एक लेंथ होगा ना बेटा, इस आर्क का एक लेंथ होगा, ठीक है, इस आर्क का एक लेंथ होगा, समझ लीजिए एस है, ठीक है। इस आर्क का लेंथ कितना है, एस है। इस रेडियस का एक क्या होगा बेटा, एक लेंथ होगा आर, और यहां पर एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, ठीक है। एंगल क्या होता है, हम लोग डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन पे भी मेजर कर सकते हैं। तो समझ लीजिए ये आपका रेडियन पे है, देखिए यहां पर लिख के दिया हुआ है द नंबर ऑफ रेडियंस इन एंगल, एंगल जो होगा वो रेडियंस में होगा, ठीक है, रेडियन में होगा। तो ये एंगल कितना है, थीटा रेडियन। तो कहा कि द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है कोई आर्क बाय एन आर्क इज इक्वल टू, मतलब ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना है, एस, बाय रेडियस कितना है, आर, मतलब ये होगा थीटा का वैल्यू होगा एस बाय आर, क्लियर। और एक चीज देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग ने रेडियन का, वन रेडियन का क्या मिला था बेटा, डेफिनेशन मिला था। वन रेडियन का वैल्यू डेफिनेशन क्या होता है, वन रेडियन इज एन एंगल मेड बाय एन आर्क, वन रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क, ये आपका कोई आर्क है, बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस का जितना लेंथ है उसी लेंथ का आर्क होगा, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन रेडियन। देखिए इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना होता है, एस बाई आर, एस बाई आर, एस का मतलब होता है क्या बेटा, आर्क का लेंथ, आर्क का लेंथ कितना है, आर है, आर्क का लेंथ, एस मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, आर मतलब रेडियस, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। आर्क, ये आर्क का लेंथ कितना है, आर, रेडियस कितना है, आर, कट गया तो कितना आया, वन रेडियन। थीटा का वैल्यू ये वन डिग्री नहीं होगा, ये थीटा जो है वो रेडियन पे होगा, एंगल रेडियन पे होगा, तो ये वन रेडियन। तो देखिए इसका वैल्यू वन रेडियन ही था, क्लियर। तो हमेशा कोई भी आर्क जब एंगल
जब एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे तो उस एंगल का वैल्यू रेडियन पे कितना होगा, आर्क बाय रेडियस। क्लियर? तो वही हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रूफ आ जाता है एग्जाम पे, तो देख लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, ये आपका कोई भी एक सर्कल है, सर्कल पे ये आपका सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है और उसका रेडियस आर है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, ये आपका प्रूफ है किसका बेटा, थ्योरम टू का प्रूफ है। ठीक है, ये थ्योरम टू का प्रूफ है। लेट कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, कोई भी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस इसका कितना है, आर है, रेडियस का लेंथ आर है। लेट पी बी एनी पॉइंट, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, पी कोई भी एक पॉइंट है सर्कल पे, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट, पी एक ऐसा पॉइंट है ताकि ये जो एपी का जो लेंथ है ना, एपी जो आर्क बना है, ये जो एपी एक आर्क है उसका लेंथ भी आर होगा। मतलब रेडियस का जितना लेंथ है उसी लेंथ के अनुसार मैंने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, तो ये एपी कितना होगा, आर होगा। तो एपी का लेंथ कितना हो गया बेटा, आर हो गया। अच्छे से सुनिए, एपी का लेंथ कितना हो गया, आर हो गया। मतलब ये एपी क्या है, एक आर्क है जिसका लेंथ रेडियस के समान है। एपी क्या है, एक आर्क है जिसका लेंथ रेडियस के समान है। तो ये जो एंगल बेटा सबटेंड करेगा एट द सेंटर वो कितना होगा, 1 रेडियन। पता है हम लोगों को, सो देयरफॉर एंगल एओपी कितना होगा बेटा, 1 रेडियन, क्योंकि ये आर्क का लेंथ कितना है, रेडियस है, ये आर्क का लेंथ रेडियस के इक्वल है। तो इसीलिए ये आर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा। क्लियर? लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, समझ लीजिए यहां पर और एक पॉइंट है क्यू, लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड लेट एक्यू का जो लेंथ है, एक्यू का जो लेंथ है उसको मैं एस पकड़ लेता हूं, क्योंकि एक्यू का तो एक लेंथ होगा, क्यू एक पॉइंट है, तो एक्यू जो एक आपका आर्क आया उसका भी एक लेंथ होगा एस। ठीक है, उसका भी एक लेंथ होगा स्मॉल एस, इसको मैंने एक नाम दे दिया स्मॉल एस। एंड ये भी तो एक एंगल फॉर्म करेगा ना, एंगल, ये जो एक्यू है, एक्यू एक आर्क है, ये भी तो एक एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ये भी तो एक एंगल बनाएगा ना सेंटर पे। ठीक है, तो इस एंगल को एओक्यू को इसका कुछ वैल्यू होगा, इस एंगल का कुछ वैल्यू होगा बेटा। और एंगल किसमें होते हैं, हम लोग रेडियन पे लिखते हैं नहीं तो डिग्री पे लिखते हैं, मगर यहां पर हम लोग रेडियन पे लिखेंगे। ठीक है, समझ लो इसका एंगल कुछ भी है, थीटा पकड़ लिया 60 हो सकता है, 60 डिग्री होता हो सकता है, जिसको हम लोग रेडियन पे कन्वर्ट करने के बाद पाई बाई 3 आएगा। ठीक है, 60 डिग्री को हम लोग पाई बाई 3 लिख सकते हैं, पाई का मतलब कितना है बेटा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, देखो समझ में आया कितना हो गया 60 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, पाई का मतलब 180, पाई मतलब क्या होता है, 180 डिग्री को हम लोग पाई लिखते हैं रेडियन पे। ठीक है, 6 30 डिग्री, उसी तरह 90 डिग्री को हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं, करके देख सकते हो, पाई बाई 2 करोगे तो ये आएगा आपका 90 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग पाई बाई 4 लिखते हैं। ठीक है, 180 बाई 4 45 डिग्री होता है। क्लियर? तो बेटा देखो, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, इस एंगल का एओक्यू का 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ हो सकता है, जिसको रेडियन पे कन्वर्ट करने के बाद पाई बाई 3 पाई बाई 6 कुछ भी हो सकता है, पाई बाई 12 पाई बाई कुछ भी हो सकता है, 4 रेडियन
सिक्स रेडियन कुछ भी हो सकता है, तो वो एंगल जो होगा वो रेडियन पे लिया मैंने, वो जानना जरूरी है कि ये जो एंगल होगा वो रेडियन पे होना जरूरी है, तो इसको मैंने रेडियन ले लिया। क्लियर? डिग्री पे नहीं है ये, रेडियन पे होना जरूरी है। वी नो, हम लोगों को पता है एंगल्स सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू आर्क्स सबटेंडिंग देम। ये हम लोग को पता है, लास्ट डे भी ये थ्योरम मैंने यूज किया था, क्लास 9 पे हम लोग को मिला था। ठीक है, वी नो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू आर्क सबटेंडिंग देम। ठीक है, सो देयरफॉर क्या होगा, देखिए ये वाला एंगल एओपी डिवाइडेड बाय ये वाला एंगल एओक्यू, इनका जो रेशियो है इज इक्वल टू, ये जो एंगल जिस आर्क ने बनाया उन के रेशियो के समान होगा। इन दो एंगल का रेशियो, ये जो एंगल जिस आर्क ने बनाया उसका रेशियो का समान होगा। एओपी किसने बनाया, एओपी एंगल किसने बनाया बेटा, एपी ने बनाया, एपी आर्क ने बनाया। ठीक है, एओक्यू किसने बनाया बेटा, एक्यू ने बनाया, एक्यू ने बनाया। क्लियर बेटा? अभी एओपी का एओपी कितना है बेटा, 1। इसको मैं उल्टा करके लिखता हूं, उल्टा करके लिखूंगा तो बहुत इजी लगेगा। एओक्यू ये एंगल एओक्यू डिवाइडेड बाय एओपी, तो एओक्यू किसने बनाया, एक्यू ने, और एओपी किसने बनाया, एपी ने। ये दोनों एंगल का रेशियो किसके समान होगा, ये दोनों एंगल जिस दिन आर्क ने बनाया उनका रेशियो के समान होगा। एओक्यू कहां है, एओक्यू का वैल्यू कितना है, थीटा रेडियन। ठीक है, थीटा लिख दिया। एओपी कितना होगा, एओपी कितना है बेटा, 1 रेडियन। एओक्यू कितना है, एओक्यू एस ए, एओक्यू को मैंने एस पकड़ा इसका लेंथ, और एपी का लेंथ कितना है, आर। ठीक है, हो गया। सो देख सकते हैं आप, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एस बाई आर। अभी अच्छे से सुनिए, एस क्या है, लेंथ है, किसका लेंथ है, आर्क का लेंथ है। एक्यू जो आर्क है उसका लेंथ है, तो लेंथ एक कॉन्स्टेंट होता है। आर क्या है, रेडियस होता है। क्लियर, आर क्या है बेटा, रेडियस होता है, रेडियस 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कुछ भी होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो ये कॉन्स्टेंट नंबर रेडियन के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा रेडियन हो जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो सेम ही रहता है ना, 5 × 1 कितना होता है बेटा, 5 ही रहता है। तो एस बाई आर इंटू 1 कितना होगा, एस बाई आर होगा, किंतु ये रेडियन होगा। जैसे 2 रेडियन के साथ अगर मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, 2 रेडियन 5 गुना बन गया, मतलब 10 रेडियन हो गया। समझ में आ रहा है? इसलिए एस बाई आर को मैंने 1 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एस बाई आर रेडियन बन गया। तो कितना हो गया, ये जो थीटा है एस का मतलब क्या था, एस का मतलब था आर्क का लेंथ, आर्क डिवाइडेड बाय आर्क का मतलब क्या है, रेडियस, और ये हमेशा इन रेडियन होगा। क्लियर? तो ये आपका थ्योरम 2 का प्रूफ है जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। क्लियर? तो ये आप लोगों को अच्छे से करना है। तो अभी बेटा हम लोग इसके ऊपर एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का जो बाकी क्वेश्चन बाकी था वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया हुआ है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, एक व्हील है वो 360 रिवोल्यूशन लेता है, एक रिवोल्यूशन पता है, समझ लीजिए ये आपका अगर एक कोई व्हील है, ठीक है, तो ये पूरा जो है वो आपका 360 डिग्री है, मतलब 1 रिवोल्यूशन है। ठीक है, मतलब एक
जो व्हील है वो जब पूरा एक बार घूम जाता है, पूरा एक बार घूम जाता है ऐसे करके, जब पूरा एक बार घूम जाएगा तो वो वन रिवोल्यूशन लेता है, ठीक है। तो उस तरह से वो एक मिनट पे 360 रिवोल्यूशन लिया, ठीक है। सो थ्रू हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन वन सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में उसने एक मिनट घुमा, एक मिनट में उसने कितना रिवोल्यूशन लिया, 360 रिवोल्यूशन लिया। मगर मुझे एक मिनट का नहीं निकालना है, मुझे एक सेकेंड में, एक सेकेंड में उसने कितना एंगल, कितना एंगल टर्न किया, कितना एंगल मतलब रेडियन पे, कितना एंगल रेडियन, जैसे समझ लो ये इतना घुमा तो कितना एंगल, ये अगर ऐसा है ना बेटा, ठीक है, ये ऐसा है, ऐसे होके ये यहां से चला, ऐसे घूम के ये यहां पर चला गया, ठीक है, ये वाला लाइन यहां पर चला गया, ठीक है, ये वाला ऐसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज में घुमा, घूम के ये इस तरफ से चला गया, ठीक है। तो मतलब ये इतना एंगल उसने टर्न किया, ठीक है। तो उसी तरह उसने एक सेकंड पे कितना टर्न किया वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो क्वेश्चन थ्री, यहां पर दिया हुआ है वन मिनट, यहां पर दिया हुआ है सेकंड। तो हम लोगों को पता है एक मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, 60 सेकंड। तो इन 60 सेकंड या फिर वन मिनट लिख के आप यहां पर 60 सेकंड लिख देना, इन वन मिनट, ठीक है, व्हील टेक्स 360 रिवोल्यूशन। एक मिनट में मतलब 60 सेकंड में, 60 सेकंड में वो कितना लेता है, 360 रिवोल्यूशन लेता है। मगर मुझे वन मिनट नहीं चाहिए, मुझे एक सेकंड का बात कहा गया है, एक सेकंड में वो कितना टर्न करेगा, मतलब जितना वो मूव करेगा वही तो निकालना है, कितना रिवोल्यूशन ले रहा है, कितना रिवोल्यूशन ले रहा है एक सेकंड में, उसके बाद हम लोग उसका एंगल निकालेंगे। सो देयरफॉर इन वन सेकंड विल टेक्स कितना होगा, एक में 60 सेकंड में अगर इतना लेता है तो एक सेकंड पे कम लेगा बेटा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये कट गया तो कितना ले रहा है, 6 रिवोल्यूशन। क्लियर, क्लियर। वी नो, हम लोगों को पता है वन रिवोल्यूशन का मतलब कितना एंगल होता है, जब वन रिवोल्यूशन वो घूमता है, जब वन रिवोल्यूशन, एक वन रिवोल्यूशन जब हो जाता है पूरा, वन रिवोल्यूशन पूरा जब कवर हो जाता है, पूरा एक रिवोल्यूशन, तो वो कितना टर्न होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब मुझे किसमें निकालना है, रेडियन पे निकालना है। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। अभी बोलोगे ये कैसे हो गया 2 पाई रेडियन, देख लो, निकाल लो इसको, रेडियन, डिग्री को रेडियन पे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। हम लोग को पता है कि 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180 रेडियन। सो देयरफॉर 360 डिग्री का मतलब कितना होगा, पाई बाय 180 इंटू 360 रेडियन, ये कट गया तो हो गया ना 2 पाई, ठीक है। आप हमेशा याद रखना 180 डिग्री का मतलब होता है 1 पाई, ठीक है, पाई रेडियन, पाई का मतलब, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। तो 360 कितना होगा, 180 का डबल होता है 180 इंटू 2, तो 2 पाई रेडियन होगा। अगर वन रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, सो देयरफॉर कितना रिवोल्यूशन है, एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन लिया, 6 रिवोल्यूशन। अगर एक रिवोल्यूशन लेने से वो 2 पाई रेडियन एंगल पूरा पूरा इतना टर्न हो रहा है, तो 6 रिवोल्यूशन में मतलब ये 6 बार घुमाना, ये जो व्हील है 6 बार घुमा, एक बार घूमने से वो 360 रेडियन टर्न करता है, दो बार घूमने से 360 इंटू 2, तीन बार घूमने से 360 इंटू 3, चार बार होने से 360 इंटू 4, उसी तरह 6 बार रिवोल्यूशन होने से 2 पाई के साथ वो 6 मतलब 12 पाई रेडियन। क्लियर, क्लियर बेटा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 60 सेकेंड्स का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया था हम लोग ने, 1 सेकेंड का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना उसने लिया वो निकाल दिया, उसके बाद एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, एक रिवोल्यूशन अगर टर्न करता है, एक रिवोल्यूशन अगर वो घूमता है तो कितना एंगल टर्न करता है मुझे पता है, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। तो उसने 6 रिवोल्यूशन उसने घुमा है, 6 रिवोल्यूशन, 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है, तो 6 रिवोल्यूशन में 12 पाई होगा। क्लियर बेटा। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो।
तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पोस्ट करके। तो चलिए अभी जाते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसपे आप लोगों को पूछा गया है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। एंगल का जो वैल्यू आएगा वो आपका डिग्री मेजर में आएगा, ठीक है बेटा। एंगल का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा बेटा, डिग्री मेजर में, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, सबटेंडेड एट द सेंटर। ये सेंटर का, ये सेंटर में जो एंगल सबटेंड हुआ है उसका वैल्यू निकालना है इन डिग्री। एट द सेंटर बाय ए सर्कल, सॉरी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय ए रेडियस, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल का जो रेडियस है वो बेटा है कितना, 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये जो एंगल जिस आर्क ने सबटेंड किया था सेंटर पे, वो आर्क का लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या निकालना है इस एंगल का, इस एंगल का वैल्यू निकालना है इन रेडियस, सॉरी इन डिग्री, ठीक है। हम लोगों को पता है कि वी नो, चलो लिख देते हैं, कर लेते हैं हियर एस, एस का मतलब थोड़ी देर पहले हम लोग को मिला थीटा इक्वल्स टू एस बाई एफ, रेडियन पे एस का मतलब था लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का लेंथ कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है, आर्क का मतलब रेडियस कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। हमेशा आप लोग एक चीज याद रखना कि ये जो एस और आर है, लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस का जो लेंथ है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दोनों मीटर मीटर ऐसा होना चाहिए, एक सेंटीमीटर एक मीटर नहीं चलेगा, आंसर गलत आ जाएगा, क्लियर। ये दिया हुआ है, वी नो, हम लोग को पता है थीटा इक्वल्स टू एस बाय आर रेडियन होता है। थीटा का जो वैल्यू आएगा अगर ये वाला थ्योरम यूज करते हैं तो वो एंगल रेडियन पे होता है, ठीक है। तो एस का वैल्यू कितना है बेटा 22, आर का वैल्यू कितना है 100 रेडियन, तो कट करेंगे तो कितना होगा 11/50 रेडियन, मगर तो ये रेडियन पे आ गया, ठीक है। ये तो क्या आ गया बेटा, रेडियन पे आ गया, तो उसको डिग्री में लेके जाना पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी डायरेक्ट करेंगे, 1 रेडियन का मतलब होता है 180/पाई डिग्री, सो देयरफॉर 11/50 रेडियन का मतलब क्या होगा, 180/पाई इंटू 11/50 डिग्री, मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर एक रेडियन का मतलब इतना डिग्री होता है तो 11/50 रेडियन का मतलब क्या होगा, 11/50 इंटू 180/पाई डिग्री होगा, ठीक है, हो गया बेटा। अब मैं रब कर दे रहा हूं इस साइड। सो अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पर हो गया 11, यहां पर 18, यहां पर 5, ठीक है। पाई, पाई का मतलब होता है 22/7, 7 ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर चला गया, क्लियर बेटा। 11 से कटेगा 11 टू जा, ठीक है, 2 से कटेगा 9, क्लियर। तो कितना डिग्री हो रहा है बेटा, 63/5 डिग्री। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में डिग्री कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं होता, डिग्री कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, 63 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12/63, तो कितना होगा बेटा, 12/3/5 डिग्री। तो इसको हम लोग 12° + 3/5 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 डिग्री, ये 3/5 को हम लोग क्या करेंगे, ये डिग्री फ्रैक्शन पे है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिग्री कितना होता है बेटा, 60 मिनट, सो देयरफॉर 3/5 डिग्री कितना होगा बेटा, 3/5 के साथ ये 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो 5 से कटेगा, क्लियर, 12 डिग्री, 3 × 12 = 36 मिनट, सो 12° = 36 मिनट ऐसे लिखेंगे, क्लियर। तो एंगल का जो वैल्यू आया वो रेडियन पे आया था, 11/50 रेडियन,
मगर मुझे रेडियन पे निकालने को नहीं बोला था, हम लोग को बोला था डिग्री पे निकालने को, तो हम लोग ने इसको डिग्री में कन्वर्ट करके हम लोग का वैल्यू कितना आया बेटा 12 degree 36 minute। क्लियर? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जल्दी से आप लोग अभी नोट कर लो। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है देख लेते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा आधा होगा 20 सेंटीमीटर पता है हम लोगों को। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अरे यहां पर तो कॉर्ड दिया हुआ है, आर्क नहीं दिया हुआ है, यहां पर आर्क का लेंथ नहीं दिया हुआ, किसका दिया हुआ है कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है। देखिए कैसे करते हैं, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड का लेंथ कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, आर्क का लेंथ निकालना है, कौन सा आर्क माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सही बेटा, देखिए कैसे करते हैं, समझ लीजिए ये आपका कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, अच्छे से देखिए। गिवन डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, सो देयरफॉर रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड जो होगा समझ लीजिए ये कॉर्ड है आपका, ये आपका कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड कितना है, ये कॉर्ड का लेंथ भी आपका है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? कॉर्ड तो ऐसे होता है ना बेटा, कहीं पर भी हो सकता है, समझ लो आपका कॉर्ड यहां पर ही है, ठीक है, इतना लंबा नहीं होगा, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड इसके साथ मैंने एक यहां पर रेडियस दे सकता हूं, यहां पर एक रेडियस बना सकता हूं, ऐसा, तो इसलिए मैंने ये देखने में अच्छा लगेगा इसलिए यहां पर मैंने बना दिया, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर? तो ये आपका एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर वाला, तो यहां पर एक रेडियस इसके साथ ज्वाइन कर सकता हूं, यहां पर भी एक रेडियस में ज्वाइन कर सकता हूं, दोनों रेडियस होगा, तो रेडियस कितना है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, सर्कल का जितना भी रेडियस होगा सबका लेंथ सेम होता है, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर। तो देखो अच्छा अच्छे से, ये आपका कोई एक नाम देता हूं ए और बी, ए भी एक कॉर्ड है, तो ये जो एओबी जो आपका जो ट्रायंगल आया ना, एओबी जो ट्रायंगल आया, ये ट्रायंगल का तीनों साइड का साइड क्या है, तीनों साइड इक्वल है 20 20 20, तीनों साइड क्या हो गया बेटा इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल क्या ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल सब इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, समझ में आ गया, तो वही हम लोग फंडा हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं और कुछ नहीं। एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल एओबी, ये आपको ड्रॉ करना है साइड में, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, इन ट्राइंगल एओबी एबी इक्वल्स टू ओए इक्वल्स टू ओबी तीनों कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर ट्राइंगल एओबी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो मतलब ये एओबी, ये जो एंगल है एओबी कितना होगा, हम लोगों को कौन सा वाला एंगल चाहिए, एट द सेंटर वाला, ठीक है, सेंटर वाला एंगल एओबी कितना होगा बेटा 60 डिग्री, मगर एंगल हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन पे होना चाहिए, सेंटर वाला एंगल हमेशा रेडियन, तो इसको रेडियन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 3, नहीं तो आप लोग देखो 1 डिग्री कितना होता है पाई बाय 180 रेडियन, तो 60 डिग्री कितना होगा 60 × π/180 रेडियन, ठीक है, 60 × 180 रेडियन, 60 से कटेगा 3, तो कितना हो गया पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है, ये आ गया एओबी, एंगल मिल गया, रेडियस पता है,
एंगल पता है, रेडियस पता है, आर्क मिल जाएगा। वी नो थीटा इक्वल्स टू एस बाय आर रेडियन, सो देयरफॉर थीटा का मतलब रेडियन, थीटा का वैल्यू हमेशा रेडियन पे आना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू रेडियन पे है, सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू दिस, थीटा का वैल्यू कितना आया पाई बाय थ्री। एस का वैल्यू हम लोग को चाहिए, एस का मतलब होता है आर्क का लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क जो चाहिए। रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है हम लोगों का 20 किसमें है, सेंटीमीटर में है, याद रखना रेडियस किसमें है, सेंटीमीटर में है। सो एस कितना होगा, एस इक्वल्स टू 20 पाई डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है ना बेटा, तो 20 मल्टीप्लाई होगी ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर रेडियस आपका सेंटीमीटर में है, आर्क का लेंथ भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। सो आर्क का लेंथ कितना आया, एस का मतलब क्या है, आर्क का लेंथ, देखिए यहां पर एस मतलब किसका लेंथ है, ये वाला एबी का, ठीक है, एस का मतलब क्या होता है, आर्क का लेंथ, तो यहां पर कौन सा वाला आर्क, ये वाला, ठीक है, तो इसको हम लोग माइनर आर्क कहते हैं, दो वाला आर्क आया, देखो ये एबी ऐसा एक आर्क है और एबी एक ऐसा भी आर्क है, ये वाला आर्क होता है छोटा आर्क मतलब माइनर आर्क, ये वाला होता है आपका बड़ा वाला आर्क मतलब मेजर आर्क, ये भी आपका एबी है, ये भी आपका एबी है, मगर ये माइनर एबी है, ये आपका मेजर एबी है, आपको क्या निकालने को बोला, माइनर आर्क मतलब ये वाला, ठीक है, तो ये वाला तो आ गया, इसी का तो था आपका एस, तो ये वाला आ गया, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर आर्क एबी इक्वल्स टू 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, क्लियर बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। अगर समझ लो आपको माइनर आर्क बोलता, मेजर आर्क बोलता तो क्या करते हैं, आपको तो माइनर आर्क निकल गया और आपको पता है ये पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है, ये पूरा का लेंथ कितना होता है, टू आइस पायर होता है, तो अगर आपको इसका वैल्यू पता है, माइनर आर्क का वैल्यू पता है, तो मेजर आर्क का वैल्यू निकाल सकते हो। सो मेजर एबी आर्क कितना होगा, टू आइस पायर माइनस माइनर एबी आर्क, क्लियर, ऐसे करेंगे। आर्क का वैल्यू कितना है बेटा, 20 है, तो 20 बिठा देंगे, 20 × 40 π माइनस माइनर कितना आया, माइनर 20π/30, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 × 3 = 120 इतना। ये किसका होगा, अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन में मेजर आर्क दे देता है तो मेजर आर्क का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है, आपको यहां पर मेजर आर्क नहीं दिया हुआ है तो इससे करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग को माइनर आर्क मिल गया बेटा, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। तो आई होप आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा, तो चलिए अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इन टू सर्कल, दो सर्कल है, ठीक है, कितना बेटा, दो सर्कल है, एक सर्कल है और समझ लो ये दो सर्कल, मैंने छोटा बड़ा करके लिखा अलग अलग ताकि समझ में आए, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये आपका सर्कल 1, ये आपका सर्कल 2। आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों सर्कल पे जो आर्क लिया गया है ना उनका लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों का आर्क का लेंथ सेम है, ये आर्क है, समझ लो इसका लेंथ आपका एस है, तो इसका भी लेंथ कितना है बेटा, एस ही होगा, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर होगा, 6 है, दोनों का लेंथ सेम है। आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेंट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, मतलब पहले वाले में 60 डिग्री बनाया, सेकेंड वाले में 75 डिग्री बनाया, ठीक है, इसने 60 बनाया, इसने 75 बनाया 60 डिग्री, ठीक है, मगर आर्क का लेंथ सेम है, क्लियर बेटा। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, ठीक है, अभी क्या होगा बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, क्लियर, उनका
रेडियाई का रेशियो निकालना है, क्योंकि रेडियाई ये देखो एंगल अलग अलग है ना बेटा, तो रेडियाई भी अलग अलग होगा। ठीक है, रेडियाई अलग अलग है इसलिए एंगल अलग अलग आया, क्योंकि आर्क का लेंथ दोनों का सेम है। तो यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो निकाल देते हैं, देखो पहले हम लोग लिखते हैं फॉर सर्कल वन सॉल्यूशन, फॉर सर्कल वन, ठीक है, आर कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, नहीं है, ठीक है, रेडियस को हम लोग पकड़ लेते हैं आर वन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होगा, इसको मैंने आर वन नाम दे दिया, इसको मैंने आर टू दे दिया, आर्क कितना है इसको मैंने दे दिया एस, ठीक है, थीटा कितना है, ये जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है, मगर थीटा किस में होना चाहिए बेटा, थीटा रेडियन पे होना चाहिए, तो उसको रेडियन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक डिग्री कितना होता है पाई बाय 180 रेडियन, तो 60 डिग्री कितना होगा 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, दैट मीन्स कितना हो गया पाई बाय 3 रेडियन, ये आ गया आपका। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बेटा एस बाय आर, आर्क बाय रेडियस पता है आप लोगों को, ठीक है, थीटा का मतलब कितना आया रेडियन पे पाई बाय 3, आर्क का मतलब कितना है एस, रेडियस कितना है आर वन, सो आर वन कितना होगा 3s डिवाइडेड बाय पाई, सही बेटा, देखो आर वन क्या होगा, आर वन का वैल्यू निकालोगे तो 3s डिवाइडेड बाय पाई, तो ये आपका आ गया फर्स्ट सर्कल के लिए, ठीक है। चलिए अभी निकाल देते हैं हम लोग सेकेंड सर्कल के लिए, फॉर सर्कल टू, ठीक है, सेकेंड सर्कल के लिए निकालते हैं, रेडियस आर टू, सेकेंड सर्कल का जो रेडियस है उसको मैंने आर टू नाम दे दिया, आर कितना है सेम लेंथ का है, तो फर्स्ट वाले में अगर एस लिखा सेकेंड वाले में भी एस लिखना पड़ेगा, अलग कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। थीटा, थीटा कितना है बेटा 75 डिग्री, तो ये डिग्री में नहीं रह सकता तो उसको रेडियन पे लेना पड़ेगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तो 5 से कटने से ये होगा 36, ये होगा 15, 3 से कटने से 12, 3 से कटने से 5, तो कितना हो गया 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियन, क्लियर। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हम लोगों को क्या बताया आर्क बाय रेडियस, तो थीटा का मतलब आया 5 पाई बाय 12, आर्क कितना है एस, रेडियस कितना है आर टू, सो देयरफॉर आर टू कितना होगा, यहां से आप निकाल सकते हैं आर टू का मतलब होगा 12s, आर टू का मतलब 12s डिवाइडेड बाय 5 पाई, ठीक है, 12s डिवाइडेड बाय 5 पाई, तो यहां पर मुझे आर वन भी निकल गया आर टू भी निकल गया, अभी हम लोग इस दोनों का रेशियो निकाल देंगे, हम लोग का आंसर खत्म हो गया, समझ में आ गया, बहुत सिंपल, जल्दी से आप लोग नोट कर लो क्योंकि अभी ये मतलब मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ सो देयरफॉर आर वन डिवाइडेड बाय आर टू इक्वल्स टू, आर वन का कितना आया 3s डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय आर टू कितना आया 12s डिवाइडेड बाय 5 पाई, तो कितना होता है 3s डिवाइडेड बाय पाई इंटू के उल्टा हो गया 5 पाई डिवाइडेड बाय 12s, ss कैंसिल पाई पाई कैंसिल, 3 से कटेगा 3 4 जा कितना आया 5 बाय 4, सो देयरफॉर आर वन और आर टू का रेशियो कितना है 5:4, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा, क्योंकि देखो अच्छे से एक चीज सुन लो, ये दोनों का क्या है आर्क सेम है, ये दोनों का क्या है बेटा आर्क का लेंथ सेम है, क्योंकि दोनों का एंगल अलग है
तो यहां पर उसका रेडियस भी अलग होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इसका रेडियस भी अलग आया। क्लियर बेटा? तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आप लोग जल्दी से नोट कर लो। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये 3.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो इसमें पूछा गया है फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल रेडियन पे आना चाहिए, ठीक है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, पहला वाला है 10 सेंटीमीटर, सेकंड वाला है 15 सेंटीमीटर, थर्ड वाला है 21 सेंटीमीटर। आप लोगों के पास बुक होगा, बुक खोल के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया है, समझ लो ये कोई फिक्स पॉइंट है, यहां पर एक पेंडुलम है, पेंडुलम तो जानते हो क्या होता है, ठीक है। वो पेंडुलम क्या कर रहा है बेटा, ऐसे 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 कर रहा है, ठीक है, पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्विंग कर रहा है। तो समझ लो ये पेंडुलम पूरा ऐसे स्विंग कर दिया, ऐसे इसको मैंने ऐसे किया, फोर्स डाला इस तरफ, तो ये पूरा ऐसे घूम के फिर से आ गया, आ जाता है। तो ये अगर घूमेगा इस तरफ से, रोटेट करेगा, रोटेट करके पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो मतलब ये अगर पूरा ऐसे घूम जाता है, रोटेट करता है, पूरा स्विंग कर लेता है ऐसे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर? तो मतलब इसका जो रोटेशन होगा सर्कुलर मोशन में होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जो वो पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है, इसका जो लेंथ है, पेंडुलम का जो लेंथ है, वो लेंथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। मैंने यहां पर ये सर्कल क्यों ड्रॉ किया, अगर ये ऐसा जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस सेम है, ये सर्कल बन गया, तो ये आपका रेडियस है बेटा। ये जो पेंडुलम का जो लेंथ है ना, वो आपका क्या बन गया अभी, ये पेंडुलम, ये जो है सेंटर है, इस सेंटर के थ्रू ये रोटेट कर रहा है, और ये वाला लेंथ है जो, ये आपका रेडियस बन गया, मतलब रेडियस दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी बोला जो उसका टिप है, ये वाला जो टिप है वो कितना मूव कर रहा है, ये जो ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, स्विंग कर रहा है ऐसे ऐसे करके जो स्विंग किया, समझ लो ये वाला यहां पर आया, उसके बाद ये ऐसा तरफ आया, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम इतना आया, उसके बाद स्विंग करके राइट हैंड साइड की तरफ एक्सट्रीम इतना तक गया। समझ में आ रहा है स्विंग का मतलब, यहां पर क्या बताया गया है, एक्सट्रीम यहां तक गया, ये ऐसे है रेस्ट पोजीशन पे, इसको मैंने स्विंग करना स्टार्ट किया, ऐसे स्विंग कर रहा है, कर रहा है, एक्सट्रीम राइट लेफ्ट हैंड साइड में इतना तक आया, और इस तरफ जाते जाते राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम यहां तक गया। तो मतलब इसका जो टिप, ये जो टिप है, ये कितना मूवमेंट कर रहा है, कितना स्विंग कर रहा है, वही दिया हुआ है। इसका जो टिप डिस्क्राइब है आर्क, ये क्या हो गया बेटा, एक आर्क हो गया ना, ये सर्कल का एक आर्क हो गया ना, ये आर्क कितना है, पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सेकंड वाले में दिया हुआ है और थोड़ा बड़ा हो रहा है 15, थर्ड वाले में और थोड़ा बड़ा हो गया 21। मतलब अल्टीमेटली ये आर्क का लेंथ है सर्कल का, और ये जो पेंडुलम का लेंथ है वो आपका रेडियस का लेंथ है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए कर लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। गिवन रेडियस इक्वल्स टू, आप लोग ये वाला ड्रॉ कर लेना, ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू कितना होगा 75, नहीं तो ऐसे बोल सकते हो लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल्स टू रेडियस, ये कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड आर्क का लेंथ निकालना है, नहीं आर्क का लेंथ तो दिया हुआ है, एंगल निकालना है, एंड आर्क पहला वाला कर रहा हूं मैं, पहला वाला आर्क दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सो वी नो थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बेटा आर्क, आर्क का मतलब एस बाई आर, रेडियन पे होगा, ठीक है, एस का मतलब आर्क का लेंथ 10 दिया हुआ है। क्लियर? आर्क का लेंथ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और एस का, सॉरी आर नहीं, एस का लेंथ कितना दिया हुआ है, आर का लेंथ 10 दिया हुआ है आर, और आर मतलब पेंडुलम का लेंथ रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 75। तो काटेंगे तो कितना होगा 5 × 2 / 15 रेडियन। तो ये मेरा पहला वाला हो गया, पहला वाला
जो 10 सेंटीमीटर अगर टिप 10 सेंटीमीटर आर्क ऐसे, ठीक है, ये वाला आर्क अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है तो उसका जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल उसने क्रिएट किया सेंटर पे, समझ लो ऐसे ऐसे करते करते जो एंगल आया वो एंगल कितना होगा रेडियन पे, 2/15 रेडियन। क्लियर बेटा? अभी क्या हो गया, ये वाला लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा हिल रहा है, ज्यादा मूव कर रहा है, स्विंग कर रहा है, इधर आया उसके बाद इधर जो एक्सट्रीम गया, ये जो लेंथ आर्क जो बना है ना वो कितना है 15 सेंटीमीटर सेम है, ठीक है। तो यहां पर 15 दिया हुआ है आर्क, ये आपका क्वेश्चन बी है। पेंडुलम का लेंथ तो सेम है, बड़ा नहीं हो गया, तो यहां पर ये क्या हो गया बेटा 15 हो गया। तो 15 से अगर काटेंगे 1/5 15 15 5 15 75, तो ये कितना होगा 1/5, तो इसका एंगल जो होगा वो होगा आपका 1/5 रेडियन। क्लियर? अभी क्या हुआ बेटा, अभी वो वाला और भी थोड़ा ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। क्लियर? तो ये ज्यादा डिस्टेंस जा रहा, इधर और ज्यादा चला गया, इधर भी और ज्यादा चला गया, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर मतलब आर्क का लेंथ 21 है, ठीक है। तो ये हो गया 21, ठीक है। तो 21 काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 7 3 से काटेंगे तो 25, तो कितना हो गया 7/25 रेडियन। इसका कितना होगा 7/25 रेडियन। जब ये स्विंग करेगा तो यहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो एंगल आपका होगा 7/25 रेडियन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये दे देता है फाइंड द एंगल इन डिग्री, तो आपको क्या करना है, इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा बेटा। तो यहां पर आप लोगों का एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुका है, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपके इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।